आज देश के करोड़ों लोग दुख और गुस्से में हैं। हाथरस की मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत की गई वो हमारे समाज पर एक कलंक है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लड़की होना गुनाह है? क्या गरीब की लड़की होना अपराध है? उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया। आज एक बेटी हमारे बीच से चली गई। मैं कहना चाहती हूँ, हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। जब वह जिंदा थी उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी रक्षा नहीं हुई। मृत्यु के बाद उसे अपने घर की मिट्टी और हल्दी भी नसीब नहीं होने दी। उसे उसके परिवार को सौंपा नहीं गया। एक रोती बिलखती माँ को अपनी बेटी को आखिरी बार विदा भी नहीं करने दिया गया। यह घोर पाप है। जोर जबरदस्ती करके लड़की की लाश जला दी गई। मरने के बाद भी इंसान की एक गरिमा होती है। हमारे हिंदू धर्म उसके बारे में भी कहता है, मगर उस बच्ची को अनाथों की तरह पुलिस की ताकत के जोर से जला दिया गया। ये कैसा न्याय है? ये कैसी सरकार है? आपको लगता है आप कुछ भी कर लेंगे और देश देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं, देश बोलेगा आपके अन्याय के खिलाफ। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाथरस के पीड़ित परिवार की न्याय की मांग के साथ खड़ी हूँ। भारत सबका देश है, यहाँ सबको इज्जत की जिंदगी जीने का अधिकार है। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। हम भाजपा को संविधान और देश को नहीं तोड़ने देंगे। जय हिंद। देखिए, ये हादसा 14 तारीख को हुआ, आज 30 तारीख है। आज पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर बयान दिया है। इतनी हैवानियत हुई इस लड़की के साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ, और 15 दिन बाद इनका बयान आया है। और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने SIT को बनाया है। क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फोन की इंतजार था? क्या 15 दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए? इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने? पीड़िता को किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले गए? परसों रात को इन्हें दिल्ली लाया गया है, उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए, उनको एक कमरे में बंद किया? इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फोन करने के बाद आपने SIT जारी की है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? क्या आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? किस तरह के मुख्यमंत्री हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह के मुख्यमंत्री हैं आप? देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं, और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।